हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन, वेरी गुड. स्टूडेंट्स, यू रिकॉग्नाइज दिस बुक? वेरी गुड, दिस इज योर मैथ्स बुक. ओके, सो टेक आउट योर मैथ्स बुक. टुडे वी विल डू आवर वर्क इन दिस मैथ्स बुक. ओके, इन दिस क्लास we will study these topics. So open page number 22. Okay, and first of all you will write here date and write the CW. Okay, so let's start our work. As you can see on this page it is written heavy and light. Okay, so first we have to understand, then we have to do these given exercise. Okay, heavy means bhari. Okay, and light means halka. Okay, jaisa ki is picture mein show kiya gaya hai. Oh, this is heavy. You can see ये क्या है, वेट्स हैं, तो ये क्या है, हैवी हैं, मीन्स भारी हैं. ओके, एंड दिस इज लाइट, दिस इज द बॉल. ओके, सो दिस इज लाइट, ये क्या है, हल्की है. ओके, ये इसको उठा नहीं पा रहा है ना, वेट्स को यहाँ पर, और ये बॉल है तो उसको आसानी से उठा पा रहा है. सो द बॉल इज लाइट एंड दीज वेट्स आर हैवी. ओके, सो नाउ टिक द हैवी, मीन्स हमें हैवी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें टिक करना है, एंड क्रॉस आउट द लाइट ऑब्जेक्ट्स, और जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं मीन्स हल्के हैं उन्हें हमें क्या करना है, क्रॉस करना है. सो लेट अस स्टार्ट. सी दिस फ्रूट एंड दिस फ्रूट, सो दिस फ्रूट इज हैवी. ओके, सो राइट, सो टिक इन दिस बॉक्स. ओके, दिस एप्पल इज लाइट in compare of this fruit, so put a cross here. Okay, now B part, so this is a almira and this is a table lamp, so which one is the heavy, kaun sa object heavy hai, this one, so put a tick here and put a cross in this box. Next, this is a train and this is a car, so this car is heavy and this train is heavy and this car is light. Okay, now here bed and chair, so bed is heavy, bed bhari hota hai na chair se, so bed is heavy, so take in this box, and chair is light, so put a cross. Okay, now next question, look at each of these objects, write H for heavy. अभी तक हम क्या कर रहे थे, heavy के लिए tick कर रहे थे और light के लिए cross कर रहे थे, but in this question हमें heavy के लिए क्या लिखना है, H, और light के लिए क्या लिखना है, L. Okay, so let's start. This object is heavy, so write here H. This is a leaf, so leaf is light, so write L. Now this is a, yes, sheep, so this is heavy, so write H. Here is a sofa, so write also H. And this one is a thread, means yo-yo, we can say also, so write L here, and here also you will write L. So children, in this way you have to complete this page number 22. Now come on the next page, page number 23. Children, on this page we will study about before, after and middle. Okay, shortly we will study. क्या है, हम शॉर्ट में समझेंगे. ओके, क्योंकि अभी आपने
आफ्टर तो आप समझ चुके हैं, नंबर्स के थ्रू मैम ने आपको समझा दिया है ना, व्हाट कम्स आफ्टर वी हैव स्टडीड ना, बट बिफोर और मिडिल हमने अभी नहीं पढ़ा है, बट इन बुक इट इज़ गिवन, सो शॉर्टली वी विल स्टडी एंड थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ हम अपनी जब नोटबुक में मैम आपको वर्क कराएंगी तब समझेंगे, ओके। सो सी, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, और मिडिल मीन्स बीच में। ये थ्री पिक्चर्स है ना, आप देख सकते हैं। सो ये क्या है, बीच में है, ये पहले है और ये बाद में है, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पिक्चर्स, ओके, दीज इंस्ट्रक्शंस, वी हैव टू डू दीज एक्सरसाइजेस, ओके। सो टिक विच इज बिफोर, हमें टिक करना है जो पिक्चर पहले है, ओके। सो सी, टू पिक्चर्स आर हियर, सो ये पिक्चर्स पहले, ये पिक्चर पहले है और ये बाद में है, सो टिक इन दिस बॉक्स, ओके। जो पिक्चर पहले है, ओके, उसको हमें टिक करना है। इन दिस, दिस बॉय इज बाथिंग एंड दिस इज बियरिंग क्लोथ, सो सी, सॉरी, दिस बॉय इज बिफोर, ये बॉय जो है ये पहले है ना, ये बाद में है, सो टिक इन दिस बॉक्स, ओके। नाउ राइट बी फॉर बिफोर एंड ए फॉर आफ्टर, बिफोर के लिए हमें बी लिखना है और आफ्टर के लिए ए लिखना है, सो दिस पिक्चर इज बिफोर सो राइट बी एंड दिस पिक्चर इज आफ्टर सो राइट ए, ओके। इन द सेम वे बी एंड हियर वी विल राइट ए, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द लेटर्स विच कम बिफोर डी, डी से पहले जो आते हैं, एंड राइट द लेटर्स कम्स आफ्टर डी, जो डी के बाद आते हैं, ओके। सो ए बी सी, ए बी सी ये क्या हुआ, डी से पहले आते हैं, एंड हियर ई एफ एंड जी, ओके, ई एफ जी ये बाद में आते हैं, ओके। सो इन दिस वे You have to complete these both phases. Now it's time for your homework. So open page number 74 and 75. These two pages you have to do in your homework. यहाँ पर आपको क्या करना है, trace and write. ये जो numbers दिए गए हैं इनको आपको देख करके लिखना है, okay? So carefully you have to do this work. So till then children, have a safe day. Bye. Thank you.